लर्निंग इंस्टीट्यूट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 के मैथ के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रेशनल नंबर। और हमने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में इसको एकदम अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में इसके। और हमने इसके प्रीवियस वीडियो में इसकी प्रॉपर्टीज, यानी जो रेशनल नंबर है उनकी प्रॉपर्टीज को हमने स्टार्ट किया है। और हमने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, यानी कम्यूटेटिविटी को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम इस प्रॉपर्टी को स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, क्लियर। तो अब हम जान लेते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कोई भी दो नंबर है, चाहे वो आपका होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो या रेशनल नंबर, कोई भी दो नंबर हो, अगर उनमें क्या करें, उनमें हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, अब चाहे आप इसमें एडिशन कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन करिए, या फिर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, या फिर डिवीजन कर दीजिए। अब किसी भी नंबर, देखिए किसी भी नंबर में हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर मतलब पेयर ऑफ नंबर में हमेशा नंबर दो होने चाहिए, ठीक, एक ही कैटेगरी के। अब कोई भी नंबर हो और उन नंबर्स में हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करें, फिर उन्हीं नंबर्स के प्लेस को बदल करके फिर हम वही मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, अगर दोनों के रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, अगर उनके रिजल्ट में डिफरेंस आ जाता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो आइए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया, कोई भी दो नेचुरल नंबर, ठीक है, अब यहाँ पर हमने 5 ले लिया, क्या ले लिया, 5, या कोई नेचुरल नंबर है और होल नंबर भी है, और हमने क्या किया, 5 ले लिया और एक 7, और 5 और 7 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 12 आएगा। फिर उसके बाद अब इन्हीं नंबर्स के क्या कर दें, इन्हीं नंबर्स के प्लेस को हम चेंज कर दें, क्या कर दें, चेंज कर दें, यहां पर हम 7 लिख दें या और प्लस 5, 7 प्लस 5, चाहे हम 5 प्लस 7 लिखें और या फिर 7 प्लस 5, अब देखते हैं इसका रिजल्ट कितना आता है, 7 प्लस 5 दोनों का रिजल्ट क्या आ गया, सेम आ गया। यानी कि जब हमने नंबर्स के ऑर्डर को चेंज किया तो रिजल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। तो यही प्रॉपर्टी जो होती है आपकी, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्लियर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब और हम एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं, कोई और एग्जांपल। तो आई होप आपको कम्यूटेटिविटी समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक नंबर के एग्जांपल को लेकर चेक करते हैं कि किस नंबर के किस ऑपरेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या एप्लीकेबल होती है, और किस नंबर के ऑपरेशन में अप्लाई नहीं होती है। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को लेते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं और उनके एडिशन पर चर्चा करते हैं कि क्या किसी भी नेचुरल नंबर्स के एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है या नहीं होती है। आइए चेक करते हैं। चलिए जैसे यहाँ पर अब कोई भी नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं, जैसे आपका 7 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। 7 और 3 को ऐड करने पर कितना आता है, 10 आता है, ठीक है। और इसी के ऑर्डर को हम चेंज कर दें, 3 प्लस 7 कर दें, क्या करते हैं, 3 प्लस 7 कर दें, तो भी आपका रिजल्ट कितना आ रहा है, 10 ही आ रहा है। दोनों, पहली बात तो दोनों नेचुरल नंबर है और इनके ऑर्डर को चेंज करने पर इनके रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा है। तो यानी कि दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स के एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एप्लीकेबल होती है, क्लियर। तो यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर्स के एडिशन में एप्लीकेबल होती है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर के सब्ट्रैक्शन में क्या कंडीशन होती है। चलिए अब कोई भी नेचुरल नंबर हम लेते हैं और उनके सब्ट्रैक्शन में हम चेक करते हैं। चलिए ये हो गया आपका, अब मान लेते हैं 3 और ये -7, 3 और -7, इन दोनों का हमने ऐड किया, सॉरी हमने 3 और 7 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया,
तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस फोर हो जाएगी, क्लियर। फिर उसके बाद अब इसके ऑर्डर को हम चेंज करते हैं, सेवन माइनस थ्री करते हैं, क्या करते हैं सेवन माइनस थ्री, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, फोर आ गई। तो देखिए यहां पर जो रिजल्ट आया दोनों नंबर्स के, देखिए जब हमने थ्री माइनस सेवन की तो रिजल्ट आ गया माइनस फोर, और फिर इसके ऑर्डर को हमने चेंज किया, थ्री माइनस फोर थ्री सॉरी सेवन माइनस थ्री किया तो फोर आ गया। तो यानी दोनों का रिजल्ट क्या आ गया, डिफरेंट आ गया ना, दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आ गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन होता है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है, क्लियर। तो यहाँ पर आपकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है नेचुरल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन में वो एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर हो गया। अब आइए हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, आइए उसको भी चेक कर लेते हैं। यहां पर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर लेते हैं, फाइव इंटू फोर, फाइव इंटू फोर, फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है ट्वेंटी आता है, कितना आता है ट्वेंटी। और इनके ऑर्डर को हम चेंज कर दें, फोर इंटू फाइव, फोर इंटू फाइव, अब फिर भी कितना आ रहा है इनके, इनका मल्टीप्लाई मतलब फोर का, हमने फाइव का मल्टीप्लाई फोर में ट्वेंटी आया और फोर का मल्टीप्लाई फाइव में करेंगे तब भी आपको क्या आएगा ट्वेंटी ही आएगा। तो यहां पर देखिए जब हमने इन नंबर्स के ऑर्डर को, पहले हमने नंबर्स को दो नंबर्स को लिया उनका मल्टीप्लाई किया, फिर उन नंबर्स के ऑर्डर को चेंज किया, फिर भी रिजल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, क्लियर। तो ये आपका अगला कॉन्सेप्ट है, यानी हम यहां लिख सकते हैं कि इसमें एप्लीकेबल होती है नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर। अब आइए हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स के डिविजन में, ठीक। चलिए अब कोई भी दो नेचुरल नंबर लेते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर सिक्स ले लें और थ्री ले लें, सिक्स को हमने किससे डिवाइड किया थ्री से, तो रिजल्ट कितना आ रहा है टू आ रहा है, कितना आ रहा है टू आ रहा है। अब इसके ऑर्डर को हम चेंज करते हैं, थ्री अपॉन सिक्स कर देते हैं, थ्री अपॉन सिक्स, तो रिजल्ट कितना आ रहा है, ये आपका वन अपॉन टू आ जा रहा है, कितना आ रहा है वन अपॉन टू आ रहा है। तो यहाँ पर जब हमने सिक्स अपॉन थ्री किया तो रिजल्ट टू आया, और जब हमने यहाँ पर इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया थ्री अपॉन सिक्स कर दिया तो रिजल्ट आ गया वन अपॉन टू, यानी कि जैसे ही हमने नंबर्स के ऑर्डर को चेंज किया तो रिजल्ट भी क्या हो गया चेंज हो गया। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स का डिवीजन होता है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, क्लियर। तो आई होप आपको नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के चारों ऑपरेशंस में किस तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है या फिर नहीं होती है, ठीक है। तो आइए हम अगले नंबर को लेते हैं, होल नंबर्स को, कि होल नंबर्स में क्या कंडीशन है, ठीक। चलिए अब आइए हम क्या लेते हैं, दो कोई भी दो होल नंबर लेते हैं और उनको ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम ले लेते हैं टू प्लस थ्री, क्या ले लेते हैं टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री करने पर कितना आ रहा है फाइव आ रहा है, ठीक है। अब इनका हम ऑर्डर चेंज करके देख लेते हैं, थ्री प्लस टू, थ्री प्लस टू करने पर भी कितना आ रहा है, तब भी अब क्या आ रहा है फाइव ही आ रहा है। तब देखिए यहाँ पर दो नेचुरल नंबर्स को हमने ऐड, सॉरी दो होल नंबर्स को हमने ऐड किया तो भी रिजल्ट फाइव आया, और फिर उनके ऑर्डर को हमने चेंज किया फिर भी आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, वह सेम रिजल्ट आ रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर्स का एडिशन होता है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो यहां पर ये होगा आपका एप्लीकेबल होती है, ठीक। तो अब देखते हैं होल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। अब कोई भी दो होल नंबर हमने लेते हैं, जैसे नाइन हमने ले लिया और क्या ले लिया फाइव ले लिया, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रिजल्ट कितना आ रहा है आपका फोर आ रहा है, कितना आ रहा है फोर आ रहा है। अब उसके बाद फिर हम इसके ऑर्डर को तुरंत चेंज करते हैं, तुरंत चेंज करते हैं तो ये फाइव माइनस नाइन, फाइव माइनस नाइन, हमने ऑर्डर को चेंज किया तो फाइव माइनस नाइन, अब इनका रिजल्ट कितना आएगा फोर आएगा, और किसमें आएगा माइनस में आ जा रहा है, किसमें आ रहा है माइनस में।
तो हमने दो नेचुरल दो होल नंबर लिया और उनको सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आया एक बार, फिर उनके ऑर्डर को चेंज किया तो कितना है -4 आ गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट भी चेंज हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। क्लियर, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, आइए अब हम मल्टीप्लीकेशन में चेक करते हैं। कोई भी दो होल नंबर लेते हैं, जैसे जस्ट वेट, थ्री इंटू सिक्स। अब हम दो होल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, कौन कौन से नंबर, थ्री और सिक्स को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 18। कितना जा रहा है, 18 आ जा रहा है। अब इनके ऑर्डर को हम चेंज करते हैं, इनके ऑर्डर को चेंज करने पर क्या देखते हैं, इनके रिजल्ट कोई डिफरेंस आता है, चलिए चेक कर लेते हैं, 6 into 3। अब जब हमने इनके ऑर्डर को चेंज किया तब रिजल्ट कितना आ रहा है, 6 3 ये भी आपका 18 ही आ रहा है। अब देखिए, जब हमने दो होल नंबर्स को लिया और उनको हमने मल्टीप्लाई किया, फिर उनका ऑर्डर चेंज करके भी मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट में कोई डिफरेंस आया, बिल्कुल डिफरेंस नहीं आया। तो यानी कि यहां भी हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, बिल्कुल अप्लाई होती है। ठीक है, तो यहां भी आपको क्या है, ये एप्लीकेबल है। फिर अब हम देखते हैं होल नंबर्स के डिवीजन में, होल नंबर्स के डिवीजन में क्या ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। अब कोई भी दो होल नंबर हम ले लेते हैं, जैसे 15 भी आपका होल नंबर है, 15 को हम डिवाइड कर देते हैं 5 से, किससे डिवाइड कर देते हैं 5 से, क्योंकि दोनों होल नंबर्स हैं। अब इनको हम जब डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 3 आता है। कितना आता है, 3, यानी कि जब 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 3 आता है। अब इनके ऑर्डर को हम चेंज करके देख लेते हैं, 5 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 15 से, तो क्या इनका रिजल्ट सेम आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। इनका रिजल्ट कितना आ जाएगा, इनका रिजल्ट आ जाएगा आपका 1/3। कितना आएगा, 1/3। क्लियर, 1/3 आ जा रहा है, जबकि इसका रिजल्ट कितना था, 3/1 आ रहा था। और जब हमने इसको ऑर्डर के इसके ऑर्डर को हमने चेंज किया तो रिजल्ट में भी चेंजिंग हो गई। तो यानी कि ये हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स के डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। क्लियर, तो आइए ये भी हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ, ये भी कॉन्सेप्ट आई हो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम देखते हैं इंटीजर में, इंटीजर नंबर्स में क्या, इंटीजर नंबर्स के चारों ऑपरेशन में क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कोई भी दो इंटीजर लेते हैं और उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे इंटीजर, हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था कि इंटीजर होता क्या है, और आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है इंटीजर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब इंटीजर हमने एक क्या ले लिया, -4 ले लिया, क्या ले लिया, -4 ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया, -5 और -5। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा -9। क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। क्लियर, तो आपका यहाँ पर कितना आंसर आएगा, -9 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, हम इनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, इनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, इनके ऑर्डर को चेंज करते हैं, यानी ये -5 और क्या है, +4। फिर भी कितना आ रहा है, 9 आ जा रहा है, फिर भी कितना आ रहा है आपका, फिर से 9 आ जा रहा है। लेकिन अभी हमको कुछ डाउट है, क्या है, कुछ डाउट है, अब उसको आगे, इसके आगे भी इसको चेक कर लेते हैं। चलिए फिर से कोई भी दो नंबर, कोई दो इंटीजर ले लेते हैं, जैसे -7 + 4, ये भी दो इंटीजर हैं। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो आंसर आपको कितना आएगा, ये +-, हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और किसमें आएगा, माइनस में आएगा। ठीक, अब इनके ऑर्डर को हम चेंज कर लेते हैं, 4 + -7। अब देखते हैं इसका रिजल्ट कितना आता है, ये +-, ये भी आपका कितना आ गया, -3 आ गया। यानी कि जब हमने कोई भी दो इंटीजर लिया और इनको ऐड किया तो रिजल्ट में, इनको ऐड किया तो रिजल्ट जितना आया, फिर इनके ऑर्डर को इनके ऑर्डर को चेंज करने के बाद जो रिजल्ट आया वो भी आपका सेम ही आया। यहाँ पर देखिए माइनस
फोर और माइनस फाइव को हमने ऐड किया तो माइनस नाइन आ गया, फिर हमने इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया तो भी आपका माइनस नाइन आया, रिजल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। तो इजिली यहाँ पर कह सकते हैं कि इंटीजर के एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ भी आपकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये आपका एप्लीकेबल होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, तो आइए अब इसके सब्ट्रैक्शन हम चेक कर लेते हैं इंटीजर के। कोई भी दो इंटीजर लेते हैं, जैसे यही आपका ये दोनों इंटीजर हो गया, इन्हीं दोनों इंटीजर को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देते हैं। तो अब देखिए क्या दोनों के रिजल्ट में कोई चेंजिंग होगी या नहीं होगी, आइए चेक कर लेते हैं। ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 11 आ जाएगा, माइनस 11। ठीक है, अब इनके इनके ऑर्डर को हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं इनके ऑर्डर चेंज करके उसका भी रिजल्ट हम चेक कर लेते हैं। ये प्लस ये आपका ये माइनस इसको प्लस कर देगा, क्या ये प्लस 7 और प्लस 4 कितना आ जाएगा 11 आ गया, कितना आ गया 11 आ गया। तब देखिए यहाँ पर वही नंबर हमने लिया लेकिन बस ऑर्डर को चेंज किया तो इसका रिजल्ट भी क्या हो गया चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब रिजल्ट चेंज हो गया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल फॉलो नहीं होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटीजर के सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। क्लियर, तो यहां भी आपकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, कोई दिक्कत। चलिए अब हम आगे वाले स्टेप पे चलते हैं। अब देखते हैं कि इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। कोई भी दो नंबर लेते हैं, -3 × -5। अब -3 × -5 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 × 5 = 15, ये 15 आ गया। अब इनके ऑर्डर को हम चेंज कर देते हैं, इनके ऑर्डर चेंज करके देख लेते हैं -5 × -3, तब भी आपको क्या आएगा, तब भी रिजल्ट आपका वही आई होप वही आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 × 3 = 15, तब भी आपको कितना आ गया 15 आ गया। यानी इजिली उनके नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करने पर उनके रिजल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, चलिए ये भी आपका एक स्टेप और कंप्लीट हो गया, यहां पर एप्लीकेबल होती है। अब आइए हम इसके डिवीजन में चेक कर लेते हैं, कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं, अब कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं, इसे 3 हो गया और -15 हो गया, 3 और -15। अब देखिए ये 3 × 3 = 15, यानी कि रिजल्ट कितना गया -1/5। अब इनके रिजल्ट इनके ऑर्डर को हम क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं, तो यहां पर -15/3 तो कितना जाएगा, ये आपको कितना जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो यानी यहाँ कितना आ गया -5। अब देखिए जब हमने दो इंटीजर को डिवाइड किया तो रिजल्ट आपका -1/5 है, मतलब जब हमने दो इंटीजर 3 और -15 को एक दूसरे से डिवाइड किया, ठीक है, जब हमने 3 को -15 से डिवाइड किया तो आंसर जो रिजल्ट आया -1/5 आ गया, लेकिन जैसे ही हमने इसके ऑर्डर को चेंज किया तो रिजल्ट क्या आ गया -5 आ गया, तो रिजल्ट तुरंत चेंज हो गया। जैसे ही नंबर के ऑर्डर को हमने चेंज किया तो रिजल्ट भी क्या हो गया चेंज हो गया, यानी कि इंटीजर के डिवीजन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है, यहां भी एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट नंबर बचा है जो कि चैप्टर ही है, अब उसमें चेक करते हैं क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है सभी ऑपरेशंस में। ठीक, चलिए अब कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हैं और उनको ऐड करते हैं, 3 × 1/2 + 1/2 या फिर 3/2। अब 1/2 और 3/2 दोनों रेशनल नंबर हैं, अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, चलिए इन दोनों को ऐड करने पर कितना 4/2 आ रहा है, कितना आ रहा है 4/2, और इसको आगे और सिंपलीफाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को हम 2/1 कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर रिजल्ट कितना, जब 1/2 को हमने 3/2 में ऐड किया तो रिजल्ट 2/1 यानी 2 आ जा रहा है। अब इनके ऑर्डर को हम चेंज कर लेते हैं, अब ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं, 3/2 को हम किस में ऐड करते हैं 1/2 में, तो भी आपका रिजल्ट कितना आ रहा है, तो भी आपका रिजल्ट 2 ही आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यानी कि जब हम दो रेशनल नंबर्स को क्या करते हैं ऐड करते हैं, फिर इनके ऑर्डर्स को चेंज करने पर ऐड करते हैं, तो दोनों का रिजल्ट क्या आता है सेम आता है। तो हम कह सकते हैं
कि रेशनल नंबर्स के एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, तो ये आपका एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि रेशनल नंबर्स के सबट्रैक्शन में क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है। चलिए यहां भी चेक कर लेते हैं, कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हैं, जैसे -3/4 ये आपके रेशनल नंबर दोनों हैं, और +1/2 इन दोनों क्या करते हैं, ऐड करते हैं। चलिए अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इनका 4 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा -3, और यहां पर कितना आ जाएगा +2, कितना आएगा -3 और +2, तो यहां पर रिजल्ट कितना आ रहा है आपका, ये आपका जा रहा है -1/4, कितना रहा है -1/4। अब इनके ऑर्डर को हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, देखते हैं। चलिए इनके ऑर्डर को हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, 1/2 + -3/4। ठीक, अब इनके ऑर्डर को हम चेंज करते हैं, चलिए देखते हैं, ये 1/2 हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस इस प्लस को ये माइनस कर देगा, ये 3/4, इनका भी एलसीएम कितना जाएगा 4 आ जाएगा, और ये कितना जाएगा यहां पर 2, और ये कितना जाएगा ये माइनस, ये आपका कितना जाएगा, ये आपका हो जाएगा -3, कितना जाएगा -3। अब देखिए क्या इनके रिजल्ट में कोई चेंजिंग होती है, चलिए ये -1/4, ये भी क्या गया आपका, दोनों का जब हमने क्या किया, दोनों के ऑर्डर को चेंज किया, तब भी रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन अब इसके आगे कोई और नंबर हम लेके चेक कर लेते हैं, चलिए कोई दूसरा नंबर लेते हैं, 2/4 को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 3/4 में, एक मिनट सॉरी, यहां पर आपका थोड़ा सा हमने एक मिस्टेक किया है, यहां पर आपका माइनस हो, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां पर माइनस होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जैसे हम 1/2 को यहां पर -3/4 को हमने 1/2 से सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका रिजल्ट कितना आ रहा है, तो आपका रिजल्ट कितना आ रहा है, आपका रिजल्ट अगर दूसरा कुछ आ जा रहा है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर ऑर्डर चेंज किया तो भी रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, और यहाँ पर रिजल्ट जो आ रहा है क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम एक और एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं सही है। चलिए यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, दूसरा एग्जाम्पल लिया है 2/4 और 3/4 को। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, देखते हैं क्या रिजल्ट दोनों का सेम आता है कि नहीं आता है। चलिए तो इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहां पर ऊपर कितना 2 - 3 हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना जाएगा, 1/5 - 1/4। ठीक है, अब इनके ऑर्डर को हम चेंज कर लेते हैं, 3/4 और -2/4। चलिए अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ आपका 4 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 - 2, तो यहाँ पर कितना गया, 1/4 आ गया, कितना गया, 1/4। अब देखिए जब हमने दो रेशनल नंबर्स को लिया और उनको सब्ट्रैक्ट किया, कौन कौन से रेशनल नंबर को, 2/4 और 3/4 दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो -1/4 आ गया। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इसका ऑर्डर चेंज किया, तो रिजल्ट भी क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो एप्लीकेबल नहीं होती है, इनके सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है, बिल्कुल यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगी। अब चलिए हम इनके मल्टीप्लीकेशन में चेक कर लेते हैं, कोई भी दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, -4/6 लेते हैं, और दूसरा इक्वेशन नंबर है 3/2 अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा आपका -12/12, कितना आ गया -12/12।
अब देखिए फिर क्या करते हैं, इनके ऑर्डर को हम चेंज कर लेते हैं, क्या करते हैं करेंट इसकी आपको कट जाएगा तो कितना जाएगा, ये माइनस वन आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा। अब इनके ऑर्डर को हम चेंज कर लेते हैं, अब इनके ऑर्डर को चेंज करेंगे तो यहाँ पर थ्री अपॉन टू हो जाएगा इंटू माइनस फोर अपॉन सिक्स, तभी भी आपको कितना जाएगा ये माइनस ट्वेल्व अपॉन ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व अपॉन ट्वेल्व, तो तब भी आपका आंसर कितना रहा है माइनस वन, माइनस में वन आ रहा है। तो हमने दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया और फिर उनके ऑर्डर को चेंज करके फिर से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों के रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। तो यानी हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो एप्लीकेबल होती है, यहां पर हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, ठीक है, ये एप्लीकेबल होती है। चलिए अब हम जो हमारा लास्ट स्टेप बचा है वो है कि रेशनल नंबर के डिवीजन में जो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है। चलिए इसको भी चेक करते हैं, यहां पर सॉरी यहां पर आपका होगा एप्लीकेबल नहीं होती है, ये आपका साइन लगेगा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं इसको हम, ठीक है, अब कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हैं जैसे थ्री अपॉन फोर, थ्री अपॉन फोर आपका थ्री भी रेशनल नंबर है और फोर भी रेशनल नंबर है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब थ्री को हम फोर से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, जब हम थ्री को फोर से डिवाइड करेंगे तो अब कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा पॉइंट में आ जाएगा जीरो पॉइंट सेवन और फाइव, जीरो पॉइंट सेवन फाइव, कब डिवाइड होगा जब हम थ्री को फोर से डिवाइड करेंगे। अब इनके ऑर्डर को हम चेंज कर देते हैं, फोर को किससे डिवाइड करते हैं थ्री से डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा तब आपको कितना जाएगा थ्री वन थ्री और ये आपको हो जाएगा थ्री थ्री नाइन पॉइंट करके समथिंग कुछ करके आएगा, ठीक है, वन पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए जब हमने थ्री को फोर से डिवाइड किया तो जीरो पॉइंट सेवन फाइव आया, लेकिन जैसे ही हमने फोर को थ्री से डिवाइड किया तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट तुरंत आपका चेंज हो गया, रिजल्ट आपका तुरंत चेंज हो गया। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर ये कह सकते हैं हम कि रेशनल नंबर्स के डिवीजन में जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो एप्लीकेबल नहीं होती है, यहां भी एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है, और यहां तो हमने आपको ऑलरेडी बताया ही है कि एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सभी नंबर्स के सभी ऑपरेशन में किस तरीके से एप्लीकेबल होती है और किस तरीके से एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये रहा आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फुल कॉन्सेप्ट, हमने आपको बता दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे तरीके से। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।